Good afternoon, everyone. And once again, after a long gap, welcome back in the English classes. So, dear student, from today onwards, we are going to start our English chapters. So, be careful and you must be up to date with all the works that we have done already in our previous chapters. Now today it is the turn of chapter 7, that is a wise minister. So I like to read paragraph by paragraph and explain you in Hindi plus English. So you listen it very carefully. Now let us go through our lesson. A wise minister. You know it, a wise minister in Hindi, wise ka matlab budhiman, minister, mantri, ekdam budhiman, budhimani mantri. So, a wise minister, ye topic rakhne ka is story mein kya important hai? Is topics ka kya important hai, hum log padhenge. It is a very good story about a stubborn king and a wise minister. Now, let us go paragraph by paragraph. Let us first see what is written in the box. It is a story about the true belief of a wise old man for what the God does is right. ये एक बहुत अच्छा कथा है जिसपे ये बताया गया है कि एक wise old man अथवा wise minister का जो विश्वास था ईश्वर प्रति वो कैसे सफल होता है अथवा वो ट्रू कैसे हो जाता है. उसका कहना था जो भी होता है ईश्वर का इच्छा से होता है और जो भी इंसान के ऊपर होता है वो उसके अच्छे ही के लिए होता है. इट इज़ ऑल गुड फॉर ओन सेल्फ. सो हम लोग ये जो वाइज मैन का ये जो एक वाक्य है एवरीथिंग हैपन्स फॉर आवर ओन गुड. जो कुछ भी घटित होता है हम लोगों के ऊपर वो अपने अच्छे के लिए होता है. ये जो वाक्य है ये वाइज मैन का वाइज मिनिस्टर का ये इसका इम्पोर्टेंस स्टोरी में क्या है और ये कैसे काम करता है हम लोग पढ़ेंगे. नाउ लेट अस मूव टू द फर्स्ट पैराग्राफ. सॉरी फर्स्ट पैराग्राफ दैट इज लॉन्ग एगो अ किंग रूल्ड ओवर अ प्लेस कॉल्ड गाजापुरम. He had a beautiful palace, many servants and guards and vast stables. At his court there were famous artists, musicians, dancers, poets and architects. Now as you know, king, he is surrounded by all the wise people. अच्छे अच्छे बुद्धिमान आदमी से घिरा हुआ रहता है पहले पहले का राजा. जो राजा अपना सभा में बहुत famous personality को वो रखते थे. अब ये गजापुरम एक जगह का ये स्टोरी है जिसपे एक राजा रूल करता था गजापुरम में. ही हैड अ वेरी ब्यूटीफुल पैलेस. उसका राजमहल बहुत सुंदर था विथ मेनी सर्वेंट्स एंड गार्ड्स नौकर और गार्ड चौकीदार एंड वास्ट स्टेबल. वास्ट स्टेबल का मतलब होता है बड़ा घोड़े का तबेला कहता है ना हम लोग स्टेबल ना घोड़े रखने वाला जो जगह. एट हिज कोर्ट देयर वर फेमस आर्टिस्ट म्यूजिशियंस डांसर्स पोएट एंड आर्किटेक्ट. आर्टिस्ट तो आप लोगों को मालूम है जो चित्र बनाते हैं. म्यूजिशियन ऑल्सो यू नो डांसर्स ऑल्सो पोएट्स ऑल्सो आर्किटेक्ट दोज हू मेक्स द ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बनाने वाला द ब्रिजेस बनाने वाला डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स बनाने वाला इंसान को आर्किटेक्ट्स कहते हैं. नाउ वाइज मिनिस्टर्स हेल्प हिम टू एडमिनिस्टर हिज लार्ज किंगडम. डिबेट्स वेर हेल्ड फ्रीक्वेंटली एंड इम्पोर्टेंट आइडियाज वेर डिस्कस्ड इन द कोर्ट. नाउ यहाँ पे जो उसका सभा में वाइज मिनिस्टर बहुत बुद्धिमानी जो मिनिस्टर मंत्री यहाँ थे वो सब अपने राजा को हेल्प करते थे राज्य चलाने में. और हर वक्त फ्रीक्वेंटली हर वक्त ज़्यादा से ज़्यादा समय राज्यसभा में डिबेट होता था वाद विवाद. एंड दे यूज टू गिव डिफरेंट आइडियाज एंड डिस्कशन वेयर हेल्ड.
कुछ ये आइडिया के बारे में डिस्कशन होता था. नाउ लेट अस मूव टू द अनदर पैराग्राफ. द किंग वॉज वेल नोन फॉर हिज लव ऑफ विजडम. किंग बहुत फेमस था, सब उसको पहचानते थे. कि क्यों पहचानते थे? क्योंकि ही वॉज डिवोटेड टू हिज विजडम. सॉरी, ही वॉज नोन फॉर हिज विजडम. राजा जो क्या था, वो भी बहुत बुद्धिमान था, अथवा बुद्धिमान था और बुद्धिमानी आदमी को, अथवा आदमी जो भी है बुद्धिमान उसको पसंद करते थे राजा, और उन लोगों का जो बुद्धि का वो प्रशंसा करते थे. इसीलिए भी वो जो विद्या का वो इज्जत करता था और रेस्पेक्ट करता था, इसीलिए उस वो भी राज्य में बहुत फेमस था. राजा भी दूसरा राज्यों का जो राजा के मास में भी, ये गजापुरम जो राज्य है उसका राजा का नाम चलते थे. हाउएवर ही वॉज एक्सट्रीमली हॉट हेडेड एंड इम्पेशेंट. लेकिन वो क्या था, थोड़ा बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था और वो धैर्य नहीं कर सकता था, किसी भी काम पे धैर्य नहीं रह सकता था. व्हेन ही वॉज एनॉयड बाय समवन ही इमीडिएटली हैड देम थ्रोन इनटू द प्लेस डंजन्स. या डंजन्स का मतलब होता है अंडरग्राउंड जेल. पहले ये डंजन्स होता था, अभी के समय में जेल होता है. ये जो ज़मीन के नीचे बनाया हुआ जेल, जहाँ पे भूमिगत रखता था कैदियों को, किसी से मिलना नहीं, वो अंधेरा कोठरी में रख देता था. इट इज़ अ वेरी हार्ड इन डंजन्स. सो या डंजन्स जो, व्हेन ही वॉज एनॉयड, जब राजा गुस्से होता था किसी के ऊपर, तो वो क्या करता था, इमिडिएटली वो आदमी को वो डंजन में डाल देता था. हिज मिनिस्टर न्यू हिज मूड वेल. दे वेर केयरफुल नेवर टू एंगर हिम. सो मिनिस्टर सब सतर्क था. दे वेर केयरफुल नॉट टू मेक द किंग एंग्री. सो एवरी टाइम दे वॉन्टेड टू मेक देयर किंग हैप्पी. सम ऑफ देम हैड इन द पास्ट स्पेंड टाइम इन द डंजन, बिकॉज दे न्यू द दे हैड एक्सपीरियंस द लाइफ ऑफ डंजन. डंजन का लाइफ वो लोग ने एक्सपीरियंस अनुभव किया था, क्योंकि वो लोगों को भी डंजन में फेंक दिया गया था. नाउ ओल्ड तिरुमला, अ वाइज एंड फेथफुल मिनिस्टर, हैड सर्व द किंग्स फादर एंड नाउ सर्व द प्रेजेंट किंग इन प्रेजेंट किंग. या तिरुमला, इट इज़ अ वेरी स्पेशल कैरेक्टर ओवर हियर, मेन कैरेक्टर. ये एकदम वाइज मिनिस्टर था, ओल्ड वाइज मिनिस्टर, क्योंकि ये उस राजा का पिता को भी सर्व कर चुके थे. अभी वो उसका बेटे यानी प्रेजेंट किंग को भी सर्व कर रहा था. तिरुमला हैड टेकन पार्ट इन ऑल द ग्रेट डिबेट्स. सो तिरुमला ने भी राजा का राज्यसभा में जो भी डिबेट्स था बड़ा बड़ा, उस पर भाग लिया था. दिस डेज ही डिड नॉट से मच. व्हेनेवर ही वॉज आस्क्ड फॉर हिज ओपिनियन अबाउट समथिंग, ही वुड रिप्लाई एवरीथिंग हैपन्स फॉर आवर ओन गुड. जस्ट लाइक अ पैरोट ही वुड रिपीट द सेंटेंस ओवर एंड ओवर, मच टू द किंग्स एनोइंस. नाउ यहाँ पे अभी का जो टाइम था उस टाइम पे क्या था, वो ज़्यादा बोलते नहीं था, लेकिन एक ही ओपिनियन था, वो एक ही बात करते थे कि जो भी प्रश्न करते थे तो वो एक ही बात रिप्लाई करता था कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर आवर ओन गुड. जो चीज़ भी घटित होता है वो खुद के अच्छे के लिए होता है. ये बार बार वो एक ही ओपिनियन देता था सबको. जस्ट लाइक अ पैरट. पैरट को हम लोग, कोई उसका मास्टर सिखाएगा कोई बात तो वो रिपीटेशन करता है बार बार. जस्ट लाइक अ पैरट ही वुड रिपीट द सेम थिंग, सेम सेंटेंस ओवर एंड ओवर. बार बार वो वही सेंटेंस रिपीट करता था, जस्ट लाइक अ पैरट. एंड जिसके कारण किंग गुस्सा हो जाते थे. द वाइज मिनिस्टर हाउएवर वॉज डिवोटेड टू द किंग एंड फॉलोड हिम वेर एवर ही वेंट. नाउ लेकिन क्या था, ये वाइज मिनिस्टर जो तिरुमला, ये बहुत डिवोटेड था अपने किंग के ऊपर. सो ही वेंट एवरीवेयर वेयर द किंग वेंट. जहाँ राजा जाते थे वहाँ पे ये पीछे पीछे चले जाते थे. नाउ लेट अस मूव टू अनदर पैराग्राफ. वन डे अ ग्रैंड डिबेट वॉज ऑर्गेनाइज इन द पैलेस. एज द किंग एंटर्ड द हॉल थ्रू अ लार्ज ऑर्नेट टीक डोरवे, हिज हैंड ब्रश्ड अगेंस्ट द डोर पैनल
एंड ही फेल्ट अ सडन स्टैब ऑफ पेन। नाउ एक दिन क्या हुआ, राज्यसभा में बहुत ग्रैंड, बहुत बड़ा भव्य डिबेट ऑर्गेनाइज किया गया, रखा गया। नाउ इस समय क्या हुआ, सब प्रेजेंट हो गया था और जो राजा भी हॉल में इंटर करने के लिए वो आ गया। वहाँ पे क्या था, ऑर्नेट, यहाँ ऑर्नेट का मतलब होता है फूलों से सुसज्जित, सजाया हुआ टीक डोर, डोर टीक डोर के थ्रू से वो हॉल के अंदर आया। हिज हैंड ब्रश्ड अगेंस्ट द डोर पैनल एंड ही फेल्ट अ सडन स्टैब ऑफ अ पेन। नाउ यहाँ पे डोर का जो पैनल था सरफेस, उसके ऊपर उसका हाथ अटक गया और वहाँ पे उसको एक प्रकार का पेन, जब कोई भी कुछ नोकीला चीज़ से शरीर में, नोकीला चीज़ शरीर में पड़ जाता है तो उस टाइम हम लोगों को पेन तो होता ही, हम लोगों को पेन, दर्द महसूस होता है। इन द सेम वे द किंग ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट पेन। देर वॉज अ लॉन्ग कट ऑन हिज मिडल फिंगर, ही एग्जामिन्ड द सर्फेस ऑफ द डोर, वन ऑफ द स्मॉल ब्रास नॉब्स हैड डिसअपीयर्ड, इन इट्स प्लेस वॉज अ रस्टी नेल। नाउ यहाँ पे उसके बाद जब चोट लगे तो वो डोर सरफेस को एग्जामिन, परीक्षण करना शुरू किया राजा ने। वन ऑफ द स्मॉल ब्रास नॉब्स, नॉब्स का मतलब हम लोग डोर में देखा है पकड़ने वाला हैंडल, तो ब्रास नॉब, पित्तल का जो नॉब्स था, हैंडल था, हैड डिसअपीयर्ड, इन इट्स प्लेस वॉज अ रस्टी नेल। वहाँ से एक नॉट निकल गया था और वहाँ पे नेल्स जो रस्टी, रस्टी का मतलब होता है हम लोग जंग कहता है ना, जंग, जब फलाम, सॉरी जब हम लोग आयरन को वाटर और सन ये दोनों मिक्स करके रखते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट गिव्स आउट रस्ट। जो ये रस्ट, रस्टी नेल, जो किला था वो रस्टी हो चुका था, रस्टिंग डस्ट उससे निकल रहा था। सो वो देखा उसने, राजा ने उस पर। दिस एनॉयड द किंग एंड ही वॉज फ्यूरियस, ही मार्च्ड ब्रिस्कली टू हिज थ्रोन एंड समन्ड द अटेंडेंट्स। नाउ जब ये देखा सब तो किंग बहुत गुस्सा आ गया उसको, सो ही वॉज वेरी एंग्री, फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत गुस्सा होना। ही मार्च्ड, वो आगे चला एकदम ब्रिस्कली, मतलब ही डिडंट नोटिस एनी डायरेक्शन ऑफ हिज वॉकिंग, ब्रिस्कली वॉक करना, मार्च करना, डायरेक्शन को दिमाग में ना रखते हुए इधर उधर सीधा टू मूव फ्रीली, जैसा हम लोग कह सकते हैं। तो वो थ्रोन में चला गया ऐसे करते हुए और वहाँ से बुलाना शुरू किया अटेंडेंस, जो वो वहाँ पे अटेंड करता था, समन का मतलब होता है बुलाना, अटेंडेंट वहाँ का कामदार। ही शाउटेड एट देम, ही स्क्रीम अब्यूज, ही स्टैम्प्ड हिज फीट एंड थ्रेटन टू हैव देयर हेड्स कट ऑफ। नाउ उसको पेन के कारण राजा को बहुत गुस्सा आया, गुस्सा आने के बाद उसने अटेंडेंट को बुला लिया और वो चिल्लाने लगा उसके ऊपर, स्क्रीम, चिल्लाने लगा। अब्यूज़ का मतलब होता है अपमानजनक शब्द प्रयोग करना, अपमान करना। ही स्टैम्प्ड हिज फीट, पैर को जोर से ज़मीन को मारना, एंड थ्रेटन टू हैव देयर हेड्स कट ऑफ, सबको थ्रेटन किया कि उन लोगों का हेड क्या कट ऑफ होगा, उन लोगों को सिर काट देंगे, ऐसे करके सबको उसने थ्रेटन किया, तब उसने सबको कहा बहुत गुस्से से। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट, दिस इज द पिक्चर दैट यू कैन सी, द किंग इज देयर and all his ministers are around him. Now let us move to the another paragraph. Finally he had them thrown into the palace dungeon. Finally he had them thrown into the palace dungeon. Now last nirnay mein wo usne kya kiya, wo attendance ko usne kya kiya, dungeon mein phenk diya. As you know the habit of the king, he is a very strict, he is a very stubborn, jiddi type ka king tha. So uska jo pain tha wo sahan nahi kar saka aur usne apna kamdar attendants ko dungeon, underground jail mein fek diya.
When the king sat down, his anger was quite plain to the assembly. Now जब king अपने throne में बैठा, sat down अपने जगह पे बैठा, उस time तक भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था. His cheeks were crimson with rage. Crimson का मतलब होता है dark red, गुस्से से बहुत लाल होना, कहता है ना हम लोग हिंदी में. The ministers hung their heads in shame. He glowered at them and roared. Now you fools, answer me this. Why have I been cut and not any of you? Now यहाँ पे ministers सब शर्मदायक मूड, शर्म माना क्योंकि राजा को चोट पहुँचा है. तो वो लोग क्या किया, अपना सिर को नीचे गिराया और चुपचाप वहाँ राजा के आदेश को इंतज़ार किया, राजा के आदेश के लिए इंतज़ार किया. ही ग्लोवर्ड एट देम एंड रोर्ड. ही ग्लोवर्ड एट देम, राजा ने सब मंत्रियों के ऊपर में एकदम गुस्से, क्रोध से देखना शुरू किया और जोर से. रोड का मतलब होता है जैसे हम लोग एकदम गुर्राहट तरीके से आवाज़ बहुत जोर से निकालते हुए कहा. Now you fools, answer me this. Why have I been cut and not any of you? ये मुझे answer बताओ कि मुझे चोट क्यों लगा, तुम सबको क्यों नहीं लगा. ऐसे करके वो अपने मंत्रियों के ऊपर question किया. All of the ministers shuffled nervously and pretended to be thinking. They knew better than to enrage. Now see, all of the ministers shuffled nervously and pretended to be thinking. अब जब ये आदेश आया था, ये क्वेश्चन आया, तो मिनिस्टर सब प्रिटेंड, बहाना करने लगा है कि वो लोग कुछ सोच रहा है, उस क्वेश्चन का आंसर सोच रहा है. दे वेर नर्वस ऑल्सो, क्या कहूँ क्या ना कहूँ, क्योंकि अगर कुछ गलत हो गया तो राजा जो कि किंग था, ही विल श्योरली थ्रो देम इन टू द डंजन. इसी भय से भी वो लोग वहाँ पे एक बहाना कर रहा था, प्रिटेंड कर रहा था कि वो लोग कुछ सोच रहा है. नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस. दे न्यू बेटर देन टू एनरेज द किंग फर्दर बाय ऑफरिंग अ रीज़न. दे न्यू बेटर देन टू एनरेज द किंग फर्दर बाय ऑफरिंग अ रीज़न. अब कुछ कहेंगे तो, क्योंकि किंग बहुत गुस्सा था तो कुछ ना कुछ कहेंगे, तो वो शायद वो रीज़न गलत होगा, इसके बदले में किंग और गुस्सा हो सकता है. सो इसलिए भी वो लोग थिंकिंग करने का नाटक कर रहा था. हाउ वेर दे टू आंसर दिस क्वेश्चन. द किंग लुकिंग डायरेक्टली एट ओल्ड तिरुमाला रिपीटेड द क्वेश्चन. वेल नाउ यहाँ पे बताया गया है हाउ वेर दे टू आंसर इस क्वेश्चन. वो लोग कैसे करके आंसर बताए किंग को, बिकॉज दे डोंट हैव द आंसर, एक्चुअल आंसर. And if the answer becomes incorrect, then they will be surely to be put into the dungeon. So, also they were quiet. The king looking directly at old Tirumala ko ke taraf dekhte huye, Raja ne same question repeat kiya. Ab Tirumala kya kehta hai? He is a wise old minister. Now let us see what answer he gives. Well, your highness, replied the minister, it is for your own good. Everything happens for your own good. Indeed, quite frankly, it is for ... But he was not allowed to finish. Now, जब ये question तिरुमला के ऊपर गया, तो तिरुमला ने कहा, Your Highness, it is quite true that जो आपको चोट पहुँचा है, वो आपके भले के लिए ही चोट लगा है. अगर ऐसे हम लोग किसी को कहेंगे तो गुस्सा, जो गुस्सा है तो और गुस्सा हो जाएगा. तो उसका ये जो वाक्य था यहाँ पे ... जो डॉट करके इनकम्प्लीट दिया गया है, तो ये बातें करते करते ही जो राजा ने उसको स्टॉप किया, बोलने नहीं दिया इसका मतलब. नाउ लेट अस मूव टू अनदर पैराग्राफ. यू डल ओल्ड पैरोट, स्क्रीम द किंग, योर वर्ड्स मीन्स नथिंग. अभी उस टाइम जो राजा था बहुत गुस्सा हो गया. यू डल ओल्ड पैरट ओ डल, ओल्ड डल का मतलब होता है क्या है, इनएक्टिव, एनर्जीलेस, ओल्ड फैलो. सो ऐसे करके राजा ने उससे ऊपर
अच्छा शब्द प्रयोग नहीं किया, डल ओल्ड पैरट कहा। स्क्रीम द किंग, वो चिल्लाते हुए कहा। योर वर्ड्स मीन्स नथिंग, तुम जो बोल रहे हो उसका कोई अर्थ ही नहीं है, तुम्हारा वर्ड्स का कोई मीनिंग ही नहीं है, क्या बोल रहे हो, ऐसे करके उसने तिरुमाला के ऊपर चिल्लाया। दे आर जस्ट वर्ड्स एंड यू कैन थिंक अबाउट देम व्हेन यू जॉइन द अटेंडेंस इन द डंजन। फ्यूरियसली द किंग टर्न टू अ गार्ड हु स्टूड क्वाकिंग नियर बाय एंड ऑर्डर्ड हिम टू एस्कॉर्ट द ओल्ड मैन अवे। नाउ यहाँ पे जब ये तिरुमाला ने ऐसे कहा तो राजा बहुत गुस्से हो गया और उसने कहा तेरा ये जो बातें है ये यूजलेस है, अब तुम्हें डंजन का सजाए भोगतना पड़ेगा। उस टाइम पता करना कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर आवर ओन गुड, ये सही है या गलत। नाउ यू मस्ट बी रेडी टू स्पेंड द टाइम इन द डंजन। ऐसे करके फ्यूरियसली किंग ऑर्डर, अब फ्यूरियस ओके फ्यूरियसली द किंग टर्न टू अ गार्ड हु स्टूड क्वाकिंग नियर बाय एंड ऑर्डर्ड हिम टू एस्कॉर्ट द ओल्ड मैन अवे। एस्कॉर्ट का मतलब होता है ले जाना। तो उसने राजा ने भी गुस्से से एकदम क्रोधित होके अपने गार्ड को आदेश दिया कि इसको डंजन में फेंक दो। नाउ लेट अस सी द अनदर पैराग्राफ। एज द ओल्ड मिनिस्टर वॉज डिपार्टिंग द किंग शाउटेड, द किंग शाउटेड, ओल्ड मैन यू विल रिमेन इन द डंजन अंटिल योर वर्ड्स कैन बी प्रूव्ड, डू यू अंडरस्टैंड। जब ये तिरुमाला को ले जा रहा था उस टाइम राजा ने फिर एकदम गुस्से से एकदम चिल्लाते हुए कहा तुम तब तक डंजन में रहना है जब तक तुम्हारा जो कहा हुआ शब्द एक एक शब्द सही प्रूव ना हो, सही हो ना हो, उस टाइम तक तुम्हें डंजन में सजा भुगतना पड़ेगा। दैट मीन्स द वर्ड whatever द मिनिस्टर द तिरुमाला हैड स्पोकन दैट मस्ट कम ट्रू, वो सही होना चाहिए। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट। Old Tirumala nodded sadly in a shocked and feeble voice. Tirumala said, I understand your highness. अब जब उसने भी उत्तर दिया राजा को एकदम feeble voice, मतलब shocked and feeble voice, shocked का मतलब होता है सांस लेना तकलीफ। अब जब हम लोग किसी से ज़्यादा डरते हैं तो हम लोगों को ये आवाज़ जब निकलते हैं तो वो मधुर हो जाता है, एकदम वीक हो जाता है और वो सांस लेने में तकलीफ जैसा आवाज़ निकल जाता है। सो इन द सेम वे तिरुमाला ने भी ऐसे करके आवाज़ दिया, उसने कहा हाँ महाराज मुझे पता चला, ऐसे करके उसने उत्तर दिया। इट इज़ फॉर माई ओन गुड डैट आई एम बीइंग लॉक्ड अप, तिरुमाला ने फिर कहा कि ये मुझे लॉक किया गया, लॉक करने जा रहे हैं आप, जो आप लॉक करने जा रहा है डंजन में ये मेरे अपने अच्छे के लिए ही आप मुझे लव करने जा रहा है, ये मेरे अच्छे के लिए ही है, तिरुमाला ने ऐसे करके किंग को जवाब दिया इन अ शॉक्ड एंड फीबल वॉइस। तिरुमाला ओनली जस्ट मैनेज टू अवॉइड बीइंग हिट बाय वन ऑफ द किंग्स शूज व्हिच केम हर्टलिंग थ्रू द एयर। अब जब तिरुमाला ने एकदम भयभीत होके एकदम वीक वॉइस में, वीक आवाज़ में, एकदम कमज़ोर आवाज़ में जवाब दिया, हाँ महाराज मुझे मालूम है मुझे डंजन में समय बिताना है, लेकिन मुझे मालूम ये भी है कि जो कुछ भी हो रहा है कि मुझे डंजन में कैदखाना में रखा जा रहा है ये मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है ये सब। जब ये कह रहा था उस टाइम राजा जो था महाराजा इतना गुस्सा हो गया कि He threw his shoes towards the Tirumala. Tirumala के ऊपर shoes से प्रहार कर दिया, इतना गुस्सा हो गया राजा महाराजा। Now let us see to the next paragraph. This is the picture, you can see it there. The king is there and the old minister, wise minister is there. Bowing before the king. Now, the debate never took place. The king stormed out and the embarrassed visitors and ministers departed too. Now, yeah, debate, अब जब ये सब घटित हुआ तो debate बंद हो गया,
द किंग स्टॉर्म्ड आउट, एकदम गुस्से से बाहर निकला, एंड एम्बैरेस्ड विजिटर्स, एम्बैरेस्ड विजिटर्स भी वहाँ से क्या किया, अपना रास्ता, वो राज्यसभा से अपना रास्ता नाप लिया, वो लोग भी चला गया। सुन आफ्टर दिस शॉकिंग एंड अनप्लीजेंट इंसिडेंट द किंग रिटर्न टू हिज ओल्ड फॉर्म, बट ही हैड कम्प्लीटली फॉरगॉटन अबाउट हिज ओल्ड मिनिस्टर। इट वॉज अ केस ऑफ आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ओल्ड तिरुमला वॉज स्टिल लॉक्ड अवे। नाउ आफ्टर सम डेज आफ्टर सुन आफ्टर दिस शॉकिंग एंड अनप्लीजेंट, शॉकिंग एकदम शॉक कर देने वाला, क्रोधाजनक अथवा अनप्लीजेंट का मतलब होता है अनफ्रेंडली, नॉट पोलाइट, ये जो वातावरण था। सुन ये इंसिडेंट के बाद जब वो निकल गया, किंग निकल गया, तो वो ओल्ड फॉर्म में आ गया। सो बट ही हैड कम्प्लीटली फॉरगॉटन अबाउट हिज ओल्ड मिनिस्टर, एक दो दिन बाद में ही कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट हिज ओल्ड मिनिस्टर, दैट इज तिरुमाला। इट वॉज केस ऑफ आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये एक केस ऐसा था कि छठ से आया छठ से भूल गया, इस किस्म का केस हुआ था, जो राजा को याद नहीं रहा। ओल्ड तिरुमाला वॉज स्टिल लॉक्ड अवे, तिरुमाला क्या हुआ था डंजन में, स्टिल वो अंदर में लॉक किया गया था। देन वन डे द किंग वॉज रिमाइंडेड ऑफ ओल्ड तिरुमाला, लेकिन एक दिन क्या हो गया, किसी ने उसको रिमाइंड कर दिया अबाउट तिरुमाला, वाइस मिनिस्टर के बारे में किसी ने उसको याद दिला दिया। नाउ लेट अस मूव व्हाट हैपेंस। आई कैनॉट लेट हिम आउट सेड द किंग इन हिज मोस्ट रीगल एंड स्टबर्न मैनर, अंटिल हिज वर्ड्स आर प्रूव करेक्ट द वंड ऑन माय हैंड इज स्टिल रॉ एंड इन्फेक्टेड। जब ये किसी मंत्री ने उसको याद दिलाया तिरुमाला के बारे में, लेकिन राजा इस टाइम और गुस्सा हो गया और कहा कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, जब तक उसका कहा हुआ एक एक शब्द सही नहीं होगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसे उसको छुटाऊंगा नहीं डंजियन से, ऐसे करके राजा ने उस मंत्री को अथवा सभा को कहा। यहाँ पे रीगल, REGAL, रीगल का मतलब होता है शाही अथवा रॉयल, एक होता है ना रॉयल अथवा राजशाही एंड स्टबर्न मैनर, एक राजीय मैनर व्यवहार में ये बोला उसने। नाउ लेट अस सी अनदर पैराग्राफ। वॉज दिस फॉर माई ओन गुड, बा स्टिल इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग हंटिंग इन द फॉरेस्ट टुमारो। नाउ जब ये मिनिस्टर ने याद दिलाया तो राजा ने भी कहा, उत्तर में दिया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जब तक उसका शब्द एक एक शब्द सही नहीं होगा तब तक मैं उसको डंजियन से निकालूंगा नहीं। देखो अभी तक मेरा ये जो वॉन घाव है अभी तक ये ताज़ा ही है, रॉ का मतलब होता है ताज़ा अथवा फ्रेश, ये ठीक हुआ नहीं है, ये इन्फेक्टेड ही है। सो लेकिन क्या करें, ये जो मेरा छोटा सा घाव है मुझे हंटिंग करने के लिए रोक नहीं सकेंगे, सो टुमारो आई विल बी गोइंग फॉर द हंटिंग, शिकार के लिए मैं चला जाऊंगा। नाउ ये एक छोटा सा स्टोरी का पार्ट है दैट वी हैव रेड टुडे। दिस लेसन ऑल्सो वी विल बी रीडिंग इन पार्ट ए एंड पार्ट बी, एंड टुडे वी हैव फिनिश पार्ट ए। अप टू हेयर वी विल स्टॉप हेयर फॉरेस्ट टुमारो, दिस इज आवर लास्ट पैराग्राफ। टुमारो वी विल बी फर्दर कंटिन्यूइंग आवर पार्ट बी। सो डियर स्टूडेंट टिल दैट टाइम प्लीज ट्राई टू मेक द difficult words, try to learn the spellings and try to know their meanings so that it will be helpful for your
learning. This much for today, dear student. We will meet tomorrow in the next class, in our next Part B session, Part B session. So till then, have a nice time, have a great day, and thank you for listening. Bye bye.